हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो स्पेशली यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है और स्पेशली फिजिक्स पढ़ने के लिए है। हिंदी मीडियम के सभी छात्रों के लिए रहेगा, चाहे वो दूसरे स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम से भी संबंधित हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हिंदी मीडियम का बच्चा होना चाहिए और फिजिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए, तो आज का वो सेशन जो है वो अटेंड कर सकता है। यूपी बोर्ड की स्कीम आ चुकी है, डेट शीट आ चुकी है और यहाँ 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इफेक्टफुली जो टाइम है वो 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। अब हम इसमें फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों ने तैयारी अभी तक शुरू की ही नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर ली है, लेकिन तैयारी ऐसी हो रही है कि कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट इस डाउट में हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा जाए और कौन सा टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, कैसे छोड़ा जाए। और सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स में रहती है न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो न्यूमेरिकल्स पर डाउट सबसे ज़्यादा लेते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे करें। अब जो टाइम बचा हुआ है वो ऐसा टाइम बचा हुआ है जिसमें हम कम पढ़ के और बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएं, इस तरीके की हमें स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो हम लोग यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स के लिए डेली के डेली लाइव सेशन लेके आने वाले हैं जिसमें ऑल चैप्टर का रिवीजन होगा। और रिवीजन ऐसे नहीं होगा कि हवा में उड़ा दिया सब कुछ, रिवीजन इस तरीके से होगा कि आपने जिस तरीके से चैप्टर को शुरुआत से पढ़ना प्रारंभ किया था, थोड़ा स्पीड हमारी थोड़ी हो सकती है ज़्यादा हो, लेकिन प्रत्येक चैप्टर को ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे हम रिवीजन में भी। और किस चैप्टर से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ कौन से इंपोर्टेंट डेरिवेशन है इस पर भी डिस्कशन करेंगे और उन्हें सरलता से डिस्कशन करेंगे कि सरल भाषा में उन डेरिवेशन को किस तरीके से पकड़ा जाए, उन टॉपिकों को सरल तरीके से किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस तरीके से हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर 70 नंबर का पेपर आता है, 70 नंबर का अगर पेपर आता है, तो 70 नंबर के पेपर में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि थ्योरी डेरिवेशन से पूरा 70 नंबर प्राप्त कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 35 नंबर की थ्योरी रहेगी तो 35 नंबर के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स पर पूरा फोकस करना है। तो न्यूमेरिकल्स की हमारी क्या अप्रोच रहेगी, न्यूमेरिकल पर हम जबरदस्त तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हैं कि उसमें पूरे वन से पूरे नंबर ला पाएं। और मेरी तरफ से आपको रहेगा फुल सपोर्ट कि किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, उसमें से अच्छे नंबर ला पाएं, पूरे में से पूरे नंबर लेके आ पाएं। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम डेली लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, 7 बजे शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। और ये लाइव क्लास जो है वो यूट्यूब पे ही होगी और बिल्कुल आपकी फ्री लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है। पूरा सेशन जो है वो 7 बजे अटेंड होगा, जिसमें पूरा का पूरा फिजिक्स पर रणनीति बनाई जाएगी कि एग्जाम की, कि हमें कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, थ्योरी को कैसे करना है, डेरिवेशन कैसे सरल भाषा में पकड़ने हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से करने हैं। और फिर उसके बाद इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आने की संभावना है। जैसे कि आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएं, उससे पहले उन टॉपिकों को अब बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पूछे जाते, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते, सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी फिजिक्स जो है वो 2 पार्ट में बटी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पार्ट 2 में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन रहेगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले ही उन टॉपिकों को, उन चैप्टरों को बहुत जबरदस्त तरीके से रिविजन कर लें। जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो आसानी से उस चीज को कैसे समझ पाए, आसानी से कैसे कर पाए, यह भी हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। सबसे इंपोर्टेंट विषय यही है, सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट इसी बात पर रहता है कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से किए जाएं। तो हम लोग पूरा का पूरा फोकस रखेंगे कि सरल भाषा में, सरलता से न्यूमेरिकल को कैसे पकड़ें।
न्यूमेरिकल कैसे करें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम रहने वाला है। तो डेली लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है कल से, आप एक प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, बोर्ड का एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से दे पाएंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए कि आप 70 में से 70 नंबर लेके आ पाए इन 60-70 डेज में जो बचे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, 22 फरवरी से डेट है, 4 मार्च से जो है आपका फिजिक्स का पेपर है यूपी बोर्ड के एग्जाम का। जो जितने भी यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, या कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया है लेकिन प्रॉपर उन्हें डाउट आ रहे हैं कि थ्योरी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसा लगता है कि थ्योरी कैसे करें, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है। और प्रॉपर तरीके से जो है हमारी 7 बजे क्लास रहेगी, उसमें हम प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन, डेफिनेशन, पूरी थ्योरी, पूरे न्यूमेरिकल्स, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को किया जाए, कैसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट पूरे के पूरे। मतलब मुझे अगर उम्मीद है कि इन 50-60 दिन जो भी रिमेनिंग बचे हुए हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से मुझसे जुड़ेंगे, प्रॉपर मेरे गाइडेंस में अगर रहेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर में जो प्रश्न है वो बिल्कुल नए हैं, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होगा ये पेपर के जो प्रश्न है वो हमने पहले से ही कर रखे हो, एक एक बार नहीं बल्कि उन्हें 10-10 बार प्रश्न कर रखे हैं। इसके लिए हम अनसॉल्व पेपर भी करेंगे, अनसॉल्व जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चा पूरा चैप्टर तैयार कर लेता है, पूरी चैप्टर की थ्योरी न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठता है तो उसे क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आता कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सीधी शुद्ध भाषा में उसको पढ़ लेते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो उसमें थ्योरी कुछ अटपटी पूछी जाती है तो हमें पकड़ में नहीं आता। तो ये भी जरूरी है कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें उनकी थ्योरी को समझना कि जो हमने पढ़ा है उसका आंसर हम किस तरीके से दें। तो इस तरीके अनसॉल्व पे भी हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। करीबन न करीबन हम लोग जो है 30-35 प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे। एक साल में 7 सेट पूरी यूपी में खुलते हैं, तो एक साल में 7 पेपर होते हैं। जैसे कि अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम है तो 2023 के 7 सेट, 2022 के 7 सेट, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के 7-7 सेट करके करीबन 3-4 सालों के भी लगा लोगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हो, हमें किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे न्यूमेरिकल के आंसर सॉल्व करने हैं, जिससे कि हमारे वहाँ नंबर कटे ना बल्कि ज़्यादा नंबर वहाँ पर आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रश्न का आंसर भी आ रहा होता है, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका नहीं पता होता तो वहाँ नंबर कट जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो हम लोग इस बात पे भी पूरा का पूरा डिस्कशन रखेंगे, पूरा का पूरा जोर रखेंगे कि तुम पर आने के बाद वहाँ प्रश्न किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से वहाँ उसका उत्तर दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक नंबर वहाँ प्राप्त कर पाए। तो इसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाएं, कल से 7 बजे शाम को हम लोग पूरा का पूरा एकदम बढ़िया लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें फुल फिजिक्स चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो 60-70 दिन में खत्म करा दूंगा विद न्यूमेरिकल्स, थ्योरी न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, और सरल से सरल भाषा में, जिससे कि आप वहां पर बहुत अच्छा कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से वहां पर बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। इसी के साथ कल से जुड़ते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बंद कर दो एग्जाम।